हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा। तो दोस्तों, आज की बड़ी खबर ये है कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर और दुनिया के सबसे अमीर आदमी में से एक बिल गेट्स ने फाइनली डिसाइड किया है कि वे अपनी 27 साल की शादी को तोड़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स जो उनकी वाइफ हैं, फिलहाल जल्दी ही अब डिवोर्स ले लेंगे, लेकिन इनकी शादी को 27 साल हो चुके हैं और अब 27 साल बाद इन्होंने एक दूसरे से अलग होकर अपनी अलग राहों पर जाने का फैसला किया है। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि बिल गेट्स इस समय लगभग 65 साल के हैं, जबकि इनकी वाइफ मेलिंडा जो है वो लगभग 55 साल की हैं। अब इस उम्र में आकर इस तरह का डिसीजन लेना कोई आसान बात नहीं होती। हालांकि कुछ ऐसा ही डिसीजन अमेज़न के फाउंडर और दुनिया के सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस ने भी हाल ही में लिया था। जेफ बेजोस ने भी अपनी 26 साल की शादी को तोड़कर डिवोर्स ले लिया था और इसके बाद भी जो है ये बहुत बड़ी न्यूज थी, क्योंकि उनकी वाइफ को डिवोर्स के बाद डिवोर्स सेटलमेंट का जो पैसा मिला उसके मिलते ही वो दुनिया की सबसे अमीर औरत बन गई। उन्हें लगभग 2.50 लाख करोड़ रुपीज का पैसा जो है उनका सेटलमेंट में मिला था और उसके बाद से ही वो दुनिया की सबसे अमीर औरत बन गई थी। अब कुछ ऐसा ही देखा जा सकेगा बिल गेट्स के केस में ही। आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं इनकी लाइफ के बारे में, कैसे मिले, कहां पे मिले थे, इनकी मैरिज कैसे चली और अब ये फाइनली डिवोर्स लेने क्यों जा रहे हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे आज की स्पेशल रिपोर्ट पे। चलिए, तो एक बहुत शॉकिंग अपडेट हुआ है जहां पे दुनिया के टॉप अमीरों में शुमार और दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक बिल गेट्स और उनकी पत्नी मेलिंडा ने अलग होने का फैसला कर लिया है। दोनों ने शादी के 27 साल बाद तलाक देने की घोषणा की है। आपको बता दें कि उन्होंने ट्वीट किया और इस बात की जानकारी सभी को दी कि हम अपने 27 साल के रिश्ते को तोड़ रहे हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस ने भी हाल ही में अपनी जो उनकी प्रीवियस वाइफ थी उनसे तलाक कर लिया था और उनसे रिश्ता तोड़ दिया था। अब उसके बाद बिल गेट्स, जो कि टॉप थ्री लोगों में शुमार होते होंगे दुनिया के सबसे अमीर लोगों में, वे भी अब ये फैसला कर रहे हैं और अपने 27 साल के पुराने रिश्ते को तोड़ने का फैसला कर रहे हैं। उन्होंने इस बात का जानकारी ट्वीट से दी। उन्होंने लिखा कि हम अपने रिश्ते पर बहुत विचार कर रहे थे, अंत में हमने इस संबंध को ख़त्म करने का फैसला किया है। इसके अलावा उन्होंने अपने बयान में लिखा है कि हमें इसका बहुत कम विश्वास है कि अब हम आगे एक साथ रह पाएंगे, इसलिए हमने ये फैसला लिया है। हम दोनों ने अपने रिश्ते पर बहुत सोच विचार किया, अंत में हमने इस संबंध को ख़त्म करने का फैसला किया। हम दोनों अलग अलग अपनी निजता चाहते हैं और जीवन के एक नए चरण की ओर बढ़ना चाहते हैं। आपको बता दें कि बिल और मेलिंडा ने साल 1994 में हवाई में शादी की थी। दोनों की मुलाकात साल 1987 में उस वक्त हुई थी जब मेलिंडा ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में एक प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर काम करना शुरू किया था। काम के सिलसिले में रखे एक डिनर के दौरान ही बिल गेट्स का उनसे मुलाकात हुई थी। दोस्तों, ये भी बताया जाता है कि दोनों के बीच बातचीत तो ज़रूर शुरू हो गई थी, लेकिन फिर भी बिल गेट्स ने अपनी तरफ से पहले इनिशिएटिव लिया था, जिसको मेलिंडा ने स्टार्टिंग में मना कर दिया था। बताया जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट कार पार्किंग में बिल गेट्स ने उन्हें बाहर घूमने के लिए पूछा था। बिल गेट्स ने पूछा कि अब से 2 सप्ताह आप क्या फ्री हो, लेकिन मेलिंडा ने उनका प्रपोज ठुकरा दिया था और कहा था कि समय आने पर मुझसे सवाल करना, जिसके बाद बिल गेट्स ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे दोनों की बात आगे बढ़ी थी। कुछ महीनों बाद दोनों ने वास्तव में अपने रिश्ते को सफल बनाया। 1993 में उन्होंने सगाई की और नए साल के दिन 1994 दोनों शादी के बंधन में बंध गए। इसके अलावा बिल गेट्स और मेलिंडा काफ़ी फाउंडेशंस भी चलाती हैं। इसमें से एक गेट्स फाउंडेशन काफ़ी मशहूर है। उन्होंने ट्विटर पर इस बात का जिक्र किया कि 27 सालों में हमने 3 बच्चों की परवरिश की है और एक बेहतरीन संस्था बनाई है जो दुनिया भर के लोगों को स्वस्थ और बेहतर जीवन जीने में सहायता करती है। इस मिशन में हम अपना विश्वास कायम रखेंगे और आगे भी साथ इस फाउंडेशन के लिए काम ज़रूर करते रहेंगे। आपको बता दें कि बिल गेट्स ने 1970 के दशक में जानी मानी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी। इस कंपनी ने बिल गेट्स को खूब शोहरत और दौलत दी। इसके अलावा बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स ये दोनों ही एक ऐसी संस्था बनाना चाहते थे जो लोगों की मदद करे, और इसी के लिए इन्होंने गेट्स फाउंडेशन नाम से संस्था बनाई जो 2000 में लॉन्च की गई थी। ये दोनों इस संस्था में ट्रस्टी हैं। वे फाउंडेशन की रणनीति को लेकर हमेशा काम करती रहेंगी, साथ ही फाउंडेशन के तहत शिक्षा से लेकर गरीबी और सफाई तक खूब रुचि दिखाती रहेंगी, ऐसा बिल गेट्स ने मेलिंडा के लिए कहा था।
इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा कि मेलिंडा ने हमेशा से ही लड़कियों और महिलाओं के लिए आवाज़ उठाई है। मेलिंडा लड़कियों और महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ती रही हैं। उन्होंने अमेरिका के बेहतर भविष्य के लिए पिवोटल वेंचर भी शुरू किए हैं। अमेरिका के बेहतर भविष्य के लिए 2015 में मेलिंडा ने पिवोटल वेंचर्स की शुरुआत की, जिसका मकसद है कि तमाम मुद्दों पर लोगों की समझ को बढ़ाना, लोगों की भागीदारी बढ़ाना, लोगों का आपसी सहयोग बढ़ाना और नए तरीकों को बढ़ाना, जिससे लोगों के जीवन में एक बड़ा बदलाव आ सके। इतना ही नहीं, इसके ज़रिए वे टेक इन दुनिया में लिंग भेद को भी दूर करना चाहती थी। वो चाहती थी कि जो जेंडर डिफरेंस हमारे समाज में है उसको कम किया जाए, और इसको लेकर उन्होंने इस वेंचर को स्टार्ट किया था। दोस्तों, अब इस खबर को लेकर काफ़ी दिनों से ये चर्चा चल रही थी कि शायद बिल गेट्स और मेलिंडा जो हैं वो अलग हो जाएंगे, लेकिन कई बार इसे एक फेक न्यूज़ बताया गया, ये इसका कोई बेस नहीं है इस खबर का, ऐसा बता के इसे ठप भी कर दिया गया। लेकिन फाइनली कपल ने डिसाइड किया है कि अब वो अलग होने वाले हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो जो क्लेम्स थे वो सही थे, और अब फाइनली ये दोनों कपल 27 साल की मैरिज के बाद एक दूसरे से अलग होने वाले हैं। दोस्तों, ऐसा ही कुछ देखा गया था जेफ बेजोस के साथ। जेफ बेजोस ने भी अपनी 26 साल की शादी को तोड़वा दिया। जेफ और उनकी उस समय की वाइफ मैकेंजी ने तलाक ले लिया और 26 साल का रिश्ता तोड़ दिया था। आपको जान के हैरानगी होगी कि इस डिवोर्स के बाद मैकेंजी को लगभग 2.52 लाख करोड़ रुपीज मिले थे। डिवोर्स के बाद उन्हें लगभग 25% शेयर जो हैं वो मिल गए थे। आपको बताना चाहूँगा कि जेफ बेजोस की पूरी जो दौलत है उसका 25% लगभग 2.52 लाख करोड़ होते हैं, जो कि उनकी वाइफ मैकेंजी को मिल गए थे, उस समय की वाइफ, और उनको उसी समय पैसे मिलने के बाद ही वो दुनिया की सबसे अमीर औरत भी बन गई थी। आपको बताना चाहूँगा कि मैकेंजी चाहती तो 50% शेयर भी ले सकती थी, लेकिन उन्होंने 25% लेना ही सही समझा। इसके बावजूद वो दुनिया की सबसे अमीर औरत बन गई। अब कुछ ऐसा ही जो मेलिंडा है उनके साथ भी होगा। वे भी इस डिवोर्स को सेटल करने के लिए, उनके पास भी कुछ परसेंट ऑफ बिल गेट्स का जो कुछ परसेंट है कमाई का वो आने वाला है। अब देखने वाली बात ये होगी कि वे कितने प्रतिशत लेती हैं और उनके पास कितने पैसे आने वाले हैं। लेकिन फिलहाल बड़ी बात यही है कि अपनी कई सालों की शादी को फाइनली कपल तोड़ने जा रहा है और 27 साल बाद एक दूसरे से अलग होकर एक नई जिंदगी शुरुआत करने जा रहा है। आपको बताना चाहूँगा कि बिल गेट्स इस समय लगभग 65 साल के हैं और उनकी वाइफ उनसे 10 साल छोटी हैं, यानी वो 55 साल की हैं। और अब इस उम्र में अलग होने का जो डिसीज़न होता है वो इजी नहीं होता। इसके बावजूद अगर इन्होंने ये इतना बड़ा डिसीज़न लिया है तो वाकई कोई बात ज़रूर होगी। लेकिन फ़िलहाल की वीडियो को मैं यही ख़त्म करूँगा। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो पर। नमस्कार।